हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं जॉब के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। फाइनली आज हम जिस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे पास में आ चुकी है, क्योंकि काफ़ी बंदों ने मेरे पास में कॉल वगैरह किया और मैसेज वगैरह किया और पूछा गया इस तरह की, अगर कोई आपके पास में रिक्वायरमेंट आए तो हमें ज़रूर बतलाना। तो आज फाइनली वो चीज़ हमारे पास में आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और जो पहले से ही हमें सब्सक्राइब कर रखे हैं हमारे चैनल को, तो उनका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ में आप बेल आइकन के ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ हाथों हाथ ले पाएँ। क्योंकि ऐसा होता, अगर आप नोटिफिकेशन उसको ऑन नहीं किए होंगे तो आप बेल के आइकन को, बटन को, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता होगा। उसके बाद में वीडियो अपलोड हो जाती है, उसके 3-4 दिन बाद आप देखते हैं तो वो चीज़ जब तक निकल जाती है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ नोटिफिकेशन ऑन कर लें आप, ठीक है? तो आज जो हमारे पास में है वो सऊदी अरब की है, तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। वीडियो के साथ आप बने रहें, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जो आज हमारे पास में रिक्वायरमेंट आई है वो सऊदी अरब से मस्जिद की रिक्वायरमेंट आई है। काफ़ी बंदों ने मेरे पास में कॉल किया था कि इस तरह की कोई वैकेंसी हो तो बताइए जिसमें हम जा सकें मस्जिद की। तो आज फाइनली हमारे पास में आ चुकी है और काफ़ी इसमें बंदों की ज़रूरत है, और ये जल्दी ही काम हो जाएगा इंशाल्लाह। रमज़ान से पहले पहले ये काम हो जाएगा उम्मीद है। अगर आप डायरेक्टली जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर, तो आपको पता होगा, आपको अपने मस्जिद के लिए डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ आपको क्या क्या सेंड करने होंगे, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसा होता है डायरेक्टली फ़ोटो खींचते हैं भेज देते हैं। तो भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर रियली में आप जाना चाहते हैं, अगर कहीं भी जाना चाहते हैं, कोई सी भी कंट्री जाना चाहते हैं, चाहे मस्जिद ही नहीं, मैं कोई सी भी कंट्री की बात करूँ, जहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर भेजने होंगे। इसलिए प्रॉपर कैसे भेजने होंगे आपको डॉक्यूमेंट्स, मैं अपना सबसे पहले स्कैन करा के, पासपोर्ट का, दोनों साइड का स्कैन करा के सेंड करना होगा, और प्लस आपका फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ बैकग्राउंड के साथ, ठीक है? पासपोर्ट साइज प्लस वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका फ़ोटो होना चाहिए, और उसके बाद में एक बायोडाटा आपका होना चाहिए, ठीक है? और एक फुल साइज़ फ़ोटो रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि उसमें पर्सनालिटी आता है बंदे की, कि किस तरह का बंदा दिखता है, किस तरह का क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़, 3 चीज़ आपकी बहुत ज़रूरी हैं अगर आप रियली में जाना चाहते हैं, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपका बायोडाटा भी होना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो आप ये चीज़ आप स्कैन करा के भेजिएगा। मेल आईडी मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी जाकर आप मेल कर सकते हैं, और मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा, कॉलिंग नंबर भी वही है, व्हाट्सअप नंबर भी वही है। आप कॉल भी कर सकते हैं एनी टाइम, और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और बेहतर ये है कि दिन में करें तो कॉल अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम मैं बात कर भी लूँगा आपसे, और रात में क्या होता है कभी कभी बात भी नहीं हो पाती है, ठीक है ना? तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, लेकिन मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, और किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर छोड़ सकते हैं, तो मैं आपका मैसेज देकर रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं सभी के मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, चाहे थोड़ी देर से ज़रूर मैं दे देता हूँ आपका मैसेज का रिप्लाई। तो ठीक है, तो फाइनली आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के लिए मस्जिद क्लीनिंग की, ठीक है ना? दोस्तों, हमारे पास में मस्जिद क्लीनिंग की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो आपकी ड्यूटी रहेगी वो ड्यूटी का वैसे 8 घंटे का बोला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मस्जिद में कोई टाइम नहीं होता ड्यूटी का। उसमें जो ज़्यादातर रहता है वो हिसाब जो रहता है आपका, फजर के टाइम आपने सफाई कर दी, ईशा के टाइम कर दी, जोहर के टाइम कर दी, मगरिब के टाइम, यानी कि ज़्यादातर रहता है नमाज के टाइम आपको साफ़ सफाई करनी रहती है, और बाकी टाइम में बिल्कुल फ्री रहना आपको, ठीक है ना? ये मस्जिद क्लीनिंग का रहता, साफ़ सफाई का रहता, और इसमें ऊपर कमाई अच्छी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी काफ़ी बंदों से इस तरह की बात भी हो चुकी है, और मेरे जानने वाले भी काफ़ी मेरे पास से भी गए काफ़ी बंदे इस चीज़ के, तो उनको भी काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है, ऊपर की कमाई की। इस चीज़ में जो रहता है बेसिक सैलरी कम रहती है, लेकिन ऊपर की कमाई काफ़ी अच्छी हो जाती है इस चीज़ के अंदर, ठीक है ना? तो इसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अगर आप एग्री हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, और जहाँ पर भी आप हैं, कहीं से भी आप हों, और कहीं से भी, यानी कि इंडिया के अंदर कहीं भी हों, आप अगर जाना चाहते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स भेजें। डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद में आपको एक दिन के अंदर आपको बता देंगे कि आपका काम होगा कि नहीं होगा इंशाल्लाह, और जैसे ही आपका काम होता है तो नेक्स्ट दिन आपको अपना कहीं भी हो आप, एक गम का मेडिकल कराने के लिए हम आपको मुफ्त नंबर दे देंगे, उसके बाद में वहाँ से रिपोर्ट उठा के हमें कहीं भी हो आप व्हाट्सअप सॉरी आप कोरियर कर देना अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना?
कोरियर करने के बाद में हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपके, और उसके बाद में कोई टेंशन नहीं, आपका वीज़ा प्रोसेस में चला जाएगा, वीज़ा स्टैम्पिंग हो जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर, और उसके बाद में आपकी फ़्लाइट हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको प्रोसेसिंग रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है इसका, और इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले आपकी पूरा काम कम्प्लीट हो जाएगा ये, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी रहती है वो रहती है 800 रियाल, ठीक है। कहीं भी जाएंगे आप, दुबई जा में, सऊदी अरब जा में, कहीं भी जा में मस्जिद में, तो आपकी बेसिक 800 से 900 के बीच में रहती है। तो बेसिक जो है आपकी 800 है, प्लस एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसमें फूड भी अपना ही रहता है ज़्यादातर कंपनियों में मस्जिद के अंदर, लेकिन होता है इंसान जब रहता है तो अलग से भी कहीं से भी कर लेता है इसमें ज़्यादातर, ठीक है ना। और इसमें ऊपर की कमाई अच्छी होती है, जब आपको पता है कोई भी कंपनी अगर 800 दे रही है तो उसको पता है कि भाई ऊपर से आदमी अच्छा करता है, इसमें अच्छा कमाता, तो इसलिए 800। अगर नहीं तो ऊपर से नहीं होती तो उसमें भी वो सारी चीज़ देखता है कि भाई इतनी दूर से बंदा कैसा आएगा, कि 800 में क्यों आएगा, तो इसलिए ऊपर से कमाई इसमें अच्छी होती है, तभी इतनी कम सैलरी रखी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ। और काफ़ी बंदों ने मेरे पास में कॉल वगैरह किया था मस्जिद क्लीनिंग की, हो तो बताइएगा। तो ये मस्जिद क्लीनिंग की वैकेंसी है, और इसमें एज जो चलेगी वो आपकी यानी कि आपकी जो एज चलेगी इसमें देखो लगभग 20 साल से आपका 40 साल तक आराम चल जाएगा, और कोशिश करेंगे 45 तक भी हो जाए, लेकिन 40 तक का अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती है बंदे को, एकदम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ रहती है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर भेजें, उसके बाद में मैं कॉल करें कि मैं डॉक्यूमेंट्स भेजूँगा, उसके बाद में प्रोसेस में चला जाएगा। और सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है इसके अंदर। बेसिक सैलरी 800 रहती है, लेकिन इसमें टिप वगैरह के लगभग 500, 600, 700, 800 के जितना सैलरी रहती है उतना आपका टिप इसमें ऊपर से हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना इसको, और प्लस अपना खाना पीना ये सारा कुछ इंसान निकाल लेता है ऊपर से। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो 1500-2000 के करीब इसमें कर देता है ऊपर से, अगर सही से इंसान काम करने वाला हो, एक नियत से जा रहा है कि भाई मुझे दोनों काम मिल जाए, इबादत की इबादत हो जाए और काम का काम हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे बंदे ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप उनसे भी क्वारी कर सकते हैं कि इसमें सैलरी जो रहती है बेसिक सैलरी कम रहती है, लेकिन ऊपर की कमाई काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आप अपने हिसाब देखिएगा, अगर आप जाना चाहते हैं तो नीचे नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मौका मिले। सबसे पहली चीज़ क्या, इसमें आप जाके कहीं भी कुछ भी नमाज़ पढ़ेंगे, उम्रा भी कर सकते हैं, हज भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ ले पाएँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितना वीडियो को पसंद कर रहे हो, कितना पसंद नहीं कर रहे हो। और कमेंट में अपनी राय बताएं कि अब आगे नेक्स्ट किस कैटेगरी के आप जॉब चाहते हैं और कैसी जॉब चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपके सामने जॉब लेकर आऊँगा, और उसी के हिसाब से मैं आपके सामने वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो मस्जिद की क्लिनिक के बारे में बताया, अगर आप जाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, और ये जल्दी ही रिक्वायरमेंट आई है, यानी कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में बताना चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।